हेलो लव, वेलकम बैक टू ब्लेसिंग्स चैरू। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। माय लव्स, आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि क्या आपको डिवाइन हमेशा अकेला ही रखेंगे, सिंगल ही रखेंगे, या आप अपने पार्टनर को पालोगे, उनको ढूंढ लोगे, उनसे मिल लोगे। राइट, सो यू हैव टू चूज योर पाइल वन एंड पाइल टू। ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है। सो चूज योर पाइल अकॉर्डिंगली। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग। आपके टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू इन व्हाइल। हेलो माय लव्स, आप लोगों का सबसे बड़ा इशू सबसे बड़ा फियर, डर कि क्या मैं अकेली ही रह जाऊंगी, क्या मैं अकेला ही रह जाऊंगा, या कभी मेरे को मेरा पार्टनर मिलेगा भी कि नहीं, वो पैदा भी हुआ कि नहीं। सो जस्ट रिलैक्स, काम डाउन, टेक डीप ब्रेथ्स। हम चेक कर लेते हैं एनर्जी आपके आसपास कोई है या नहीं, ठीक है। आई विल बी सुपर ऑनेस्ट, ठीक है। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट नहीं करूँगी। अगर वाकई एनर्जी आपके पास इर्द गिर्द नहीं हुई तो मैं बताऊँगी, ठीक है। आपको गाइड करूँगी किस तरह से आप एनर्जी को ग्रैब कर सकते हैं। फिर भी निराश नहीं होना, ठीक है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, डिस्क्लेमर है ये, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। और ये कि ये लाजमी नहीं है कि आज जो आपकी एनर्जी है एक हफ्ते बाद भी वही होगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर वाइब्रेशंस, ठीक है। अपना किस्मत भाग्य आप खुद ही बनाते हो, अपने वाइब्रेशंस पे आपके बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, ठीक है। सो जस्ट काम डाउन, calm down your nerves, let's start. Okay, let's check out कि आपके भाग्य में क्या है। सेकेंडली कि क्या आप हमेशा अकेले रह जाओगे, कि you are having somebody in your loji empress, page of swords. वाओ, एम्परर, सिंगल फॉरएवर, या कोई है आप पालोगे उनको। ओह माय गॉड, लेट मी चेक आउट किंग ऑफ पाइल वन। नो मैटर आप लड़की हो, नो मैटर आप लड़का हो, आपके पास कहाँ जाए, एम्प्रेस, पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। अच्छा, अब आपके केस में ना पाइल वन सिचुएशन ये है, जो पहला ही कार्ड आपका एम्प्रेस आया था, ठीक है। इफ़ यू सी क्लोजली, अगर आप गौर से देखो, ये एम्प्रेस है एंड शी इज़ प्रेगनेंट, रियली प्रेग्नेंट। और प्रेग्नेंट का मतलब यह है कि शी डज़ हैव पोटेंशियल। आपका जो भी क्वेश्चन था, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन था, जो भी ओबियसली वी आर सीइंग फॉर अ फ्यूचर पार्टनर, तो डेफिनेटली देयर इज पोटेंशियल, बल्कि ऑलरेडी रेडी है ना, शी इज़ ऑलमोस्ट, आई थिंक, मेरे ख्याल में इफ़ यू सी हर बेली, आई थिंक 7-8 मंथ प्रेगनेंसी तो है ये, ठीक है। तो आपको फ्रूट मिलने में, आपका जो भी क्वेश्चन है उसका फल मिलने में ज़्यादा देर नहीं है, काफ़ी वक्त बीत चुका हुआ है, ठीक है। और ये अब एंड एंड रह गया, जिसे वो कहते हैं ना, हाथी निकल गया और पूंछ रह गई है। वो थोड़ी वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन दैट इज़ द केस इन योर सिचुएशन, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, जी हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है आप में से अक्सर लड़कियाँ बॉसी हैं, बॉसी इन अ सेंस दे हैव अ लिटिल बिट ओवर पावरिंग पर्सनैलिटी, थोड़ा मूड इशूज़ हो सकते हैं, या जिसे वो एक वो सिग्मा फीमेल कहते हैं, या आप समझ लें उसका भी नहीं आपको समझ, तो बॉस टाइप गर्ल, ठीक है, टॉम बॉयज, नॉट रियली टॉम बॉयज, बट यू नो, आपको आप थोड़ा सा ना बॉसी हो, ठीक है। तो एम्परर की एनर्जी थी इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो मतलब यू आर लाइक कि मैं खुद भी संभाल लूँगी, ठीक है।
बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, अपने स्टडी पे काफ़ी हद तक फोकस्ड हो, ठीक है? आपको इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपका किंग आए ना आए, ये हो वो हो, आपका मिलन हो या ना, लेकिन स्टिल समहाउ नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स, स्टिल एक इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड में चलता है। आपको अपने आप पे 110%, 1000% विश्वास है कि मैं अकेली भी ज़िंदगी में गुजारा कर लूँगी या कर सकती हूँ, लेकिन लेकिन फिर भी रात को नाइन ऑफ सोर्ड्स कभी आपके जेन में फिर भी थॉट चलती है कि यार एक पार्टनर अगर हो जाए, आई डोंट रियली नीड सपोर्ट, लेकिन एक दिल को तसल्ली हो जाए, लाइक जिस तरह फॉर्मेलिटी है। या फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जियाँ, आई थिंक आपको लोगों ने बहुत परेशान किया हुआ है, जो सोसाइटी होती है या ये जो लोग होते हैं ना सोसाइटी के आंटियाँ और ये इस तरह के लोगों को परेशान करते हैं, शादी नहीं की, कब करनी है, ये है वो है, उस वजह से आप ज़्यादा परेशान हो। वरना आपको खुद के अंदर कोई ख़ास वो नहीं है कि कुछ मेरा बनेगा नहीं बनेगा, यू लिटरली गिव अ डैम, राइट? लेकिन ये चीज़ें आपको परेशान करती हैं, दैट्स वाई यू नीड योर पार्टनर, यू वॉन्ट योर पार्टनर, राइट? दूसरा, आई थिंक दूसरे कपल्स को देख देख कर भी आपको थोड़ा कभी कभी ना वो एक जालसी टाइप होती है, जालसी नॉट रियली जालसी, लेकिन एक वो होता है ना अंदर, एक स्केयरसिटी माइंडसेट बन जाता है कि मेरे पास नहीं है पार्टनर, सबके पास, ये चीज़ थोड़ी आपको पिंच करती है, तो आपका माइंड दो भागों में डिवाइड हो जाता है, कभी आप कहते हो नहीं चाहिए, कभी आप कहते हो चाहिए। तो एक तो आप अपने आप को इस चीज़ से निकाल के बाहर लेके आओ और एक अबंडेंट माइंड सेट में रखो, ठीक है? पार्टनर बुरी चीज़ नहीं है। देखो नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप अगर अपने कार्ड की सीक्वेंस को देखो ना, तो समहाउ यू विल सी कि यू हैव मोर देन वन चॉइस, ठीक है? मोर देन वन पीपल वॉचिंग यू ऑलरेडी, और ये काफ़ी कमिटेड है। एम्परर तो खैर सबसे बड़ा कमिटेड पर्सन होता है, दूसरा किंग ऑफ पेंटिकल्स खुद सबसे बड़ा कमिटेड पर्सन होता है, और ये दोनों पर्सन आपसे शादी में इंटरेस्टेड है, बिकॉज दिस इज़ एम्परर, शी इज़ प्रेगनेंट, ठीक है? तो ये शादी में इंटरेस्टेड है, आपसे बच्चे लेने में इंटरेस्टेड है, नॉट रियली कि मैं आपके साथ गुल चढ़े उड़ाएगा और लाइक आपको फिर यूज़ करके छोड़ देगा, इस तरह का सीन नहीं है। एंड इफ़ यू सी, ये चाहे आप जितनी भी परेशान हो, जो भी चीज़ है, स्टिल टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर यूनियन है, ठीक है? यू विल बी विद योर पार्टनर, 110% श्योरिटी है। ये आई वॉन्ट टू से कि नॉट रियली योर रेगुलर पार्टनर, रादर दे आर योर सोलमेट, ठीक है? टू ऑफ कप्स से कप्स एक्सचेंज होते हैं, और ये रिश्ता इक्वालिटी पर बेस्ड होगा, सॉरी, इक्वालिटी बेस्ड मीन वॉट, आई वॉन्ट टू से कि मतलब इक्वल गिव एंड टेक होगा इसमें, ना तो वो आपको कभी भी ओवर पावर करने की कोशिश करेंगे, ना ही आप। कब से एनर्जी है, पहले वाटर साइन काफ़ी यहाँ प्रोमिनेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, इसके अलावा यहाँ पे एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद अर्थ एनर्जी, ठीक है? तो ये चीज़ है, ये बहुत ना इक्वालिटी बेस्ड, आई थिंक आप खुद भी इंडिपेंडेंट हो गए, बिकॉज नाइन ऑफ पेंटिकल मैं देख रही हूँ कि शादी आपकी हो जाएगी, मिलन जब हो जाएगा, उसके बाद भी स्टिल यू आर इंडिपेंडेंट, आप अपने खर्चे उठा सकती हो, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आप उठाओगी या वो, उसको कोई परवाह नहीं होगी आपकी, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बिकॉज एम्परर इज़ वेरी कमिटेड, एम्परर इज़ लाइक मोस्ट कमिटेड पर्सन, उसको जिम्मेदारी का अपने बहुत एहसास होता है, और किंग ऑफ पेंटिकल भी उसी की थोड़ी सी छोटी फॉर्म है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो वेरी कमिटमेंट के लिहाज से किंग जो है ना बेस्ट है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और मतलब फाइनेंसिस के हिसाब से भी ये बेस्ट है, ठीक है? तो यू आर योर सेल्फ अबंडेंट, आपके खुद के पास भी है सब कुछ, लेकिन स्टिल यू कैन हैव फ्रॉम हिम एज वेल, तो दिस इज जस्ट लाइक आइडियल लाइफ, ना वो इंटरफेयर ज़्यादा कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ना आप ऐसे आप अपनी लाइफ में मगन हो, अपनी लाइफ में मगन है, स्टिल यू बोथ हैव कमिटमेंट, एंड यू नो टू ऑफ कप्स लव रोमांस भी है, और आपको क्या चाहिए? एम्प्रेस की एनर्जी है, आपको बच्चे भी होंगे डेफिनेटली, आप बस प्रे करते रहें, पॉजिटिव रहें। हाँ, दो इशू मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं पाइल नंबर 1 में, दो इशू, इनको सॉल्व करें, वरना
ये जो एनर्जी आपके पास है निकल भी सकती है। मैं सच अल्फाज में, सच में वर्ड्स में बात करूँ, ठीक है, एनर्जी का निकलते पता नहीं चलता। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना ये है फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अपने दिमाग से फजूल किस्म के थॉट्स निकालें, ठीक है। आपका माइंड एक जगह पर फोकस नहीं है, आपको लगता है आपको कोई नहीं मिलना, हालांकि ऐसा नहीं है। फ्यूचर में कुछ और लिखा हुआ है आपके लिए, यूनिवर्स में आपको मिलना है, मिलना है, मेरी बात आप यकीन से पक्का कर ले जहन में, मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर ये अगर अभी तक मिला नहीं ना, वो यही वजह है कि आपकी थॉट्स एक एक पॉइंट पे फोकस नहीं हो। आप कभी सोचते हो मिलना, एक दो रीडिंग देख ली, चलो वाइब्रेशन आई होगी, चलो भी हाँ मिलना है, उसके बाद आप रात को जब बेड पे अकेले सोते हो फिर आपको लगता है लो जी ये क्या मिलना है, मैं अकेली सो रही हूँ। तो यूनिवर्स ये डिमांड नहीं करता, यूनिवर्स ब्लाइंड ट्रस्ट डिमांड करता है। जिसके पास ब्लाइंड ट्रस्ट है वो आके ले जाए, साफ बात है। यूनिवर्स कहता है जिसके पास ब्लाइंड ट्रस्ट है वो आए और मेरे से ले जाए, ठीक है। इस वजह से, इन थॉट्स की वजह से आपकी रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है, या फिर आप दरम्यान रात को जल्दी सो जाते हो तो दरम्यान में उठ जाते हो 2-3 के करीब, लेकिन आपकी नींद कोई क्वालिटी स्लीप नहीं है, साफ बात है। परेशानी रहती है आपको काफ़ी इस चीज़ की, ठीक है। सो वर्क ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट की बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स चेक मोर एनर्जी आपके पर्सन की। फोर ऑफ कप्स, अगेन डिसअपॉइंटमेंट, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपके पास उतनी प्यारी एनर्जी है कमिटेड किंग की, ठीक है। तो हाँ, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स विद द डेथ कार्ड, यू नीड टू एंड वन थिंग इन योर लाइफ इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट न्यू थिंग, ठीक है। जब तक आप जेहन से पुरानी चीज़ें नहीं निकालोगे, अगर कोई एक्स में फंसे हुए हो कार्मिक में, उसको भी भूल जाओ, नई चीज़ आ रही है आपके पास, ठीक है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अपनी फीलिंग्स मत छुपाओ, खुद से भी आपको छुपा रहे हो, आपको डरे हुए हो अंदर से, बहुत हिडन, या सारी आपकी शेडो साइड निकली है, सारी आपकी डार्क एंड शेडो साइड निकली है। ये खुद से कुछ छुपाते हो, खुद से डरते हो, खुद आईने में खड़े होकर बात नहीं कर सकते, आंखों में डाल के आंखें अपनी, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आ रहा, अभी रीडिंग ख़त्म होकर उठ के आईने में खड़े देख के, अपने आप को आंखों में आंखें देख के पूछना खुद से कि क्या मैं परफेक्ट हूँ, क्या मैं सही जा रही हूँ, क्या मेरे पास जो सारी नॉलेज है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ खुद पे। देख लेना आपका ये सेल्फ आपको यही कहेगा कि नहीं, तुम अभी 50% भी नहीं कर रही जितना तुम्हें नॉलेज है, जितना तुम्हें पता है। तो खुद से भाग ना छोड़ो, खुद को फेस करो। टू ऑफ पेंटिकल्स, एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर के आई है कि आप अभी अपने पैसे पर फोकस करो, अपने करियर स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। आपको अभी बहुत कुछ करना है, ये यही है, ये पर्सन कहीं नहीं भागे जा रहा, ये कहीं पर भी नहीं जाएगा। पाइल नंबर वन, इसने ये डिवाइन टाइमिंग का चक्कर है यहाँ, इसने आपको अपने वक्त पर ही मिलना है, ठीक है। आपको ये टेंशन थी ना कि पता नहीं कोई मेरी किस्मत में लिखा हुआ है कि नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना, मैं आप लोगों की बातें पढ़ती रहती हूँ, आप लोगों को ये टेंशन नहीं है कि अभी मिले मेरे को, आज रात ही मिले मुझे को, बस अभी बस 9 बजे हैं तो अभी बस मेरे को 9:05 पे मिले। नहीं, आप लोगों का मसला ये नहीं है, आप लोगों का मसला ये है कि बेशक थोड़ी देर से मिल जाए यहाँ जब भी, लेकिन मिल जाए। ये बात है ना, है ना, कि चाहे ठीक है आप लोगों को डिवाइन टाइमिंग से मसला नहीं है, आप लोगों को पता है डिवाइन टाइमिंग का हम कुछ नहीं कर सकते, उसने वक्त पे ही होना जो भी होना है। आप लोगों को टेंशन ये है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरी किस्मत में कोई हुआ ही ना, मैं अकेली मर गई, मैं सिंगल ही मर गई तो मेरा क्या बनेगा, या अगले ज़िंदगी में अगर मैं अकेली रह गई तो क्या होगा। ये दिमाग से निकाल दो पाइल नंबर वन।
मैं आपसे कह रही हूँ ना, आपका पर्सन कहीं नहीं जाता। कमिटेड है, बहुत ज़्यादा कमिटेड है आपके साथ। उसको कोई और मिला भी ना, अगर फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज, तो उससे भी रिश्ता तोड़ के आ जाएगा। इतनी कमिटमेंट है इस पायल में उसकी। लेट्स सपोज कहीं शादी भी हो गई, हुई शादी से बड़ा तो नहीं ना कोई हो सकता कि कोई चला जाए। शादी भी फ़र्ज़ करें हो गई हुई ना, वो भी तोड़ के आ जाएगा आपके पास। इतनी अट्रैक्शन है आप में जो मदरली नेचर है। एनीवेज परेशान ही हो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आपको अगर लगे कि मेरी किस्मत में है ही कोई नहीं, ठीक है, न्यू लव। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ न्यू लव, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। गाइस, ये पर्सन हो सकता है आपको किसी वर्किंग एरिया पे मिले, जहाँ आप काम करते हो या पढ़ने जाते हो, ठीक है, या किसी स्पिरिचुअल ग्रोथ की जगह पर भी मिल सकता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की जगह क्या होती है? आपके तमाम जो रिलीजियस जगह हैं, जैसे मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, मिलाद है, मॉस्क है, कोई इस तरह की जगह पे हो सकता है, या कोई योगी हो सकते हैं, कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं, या इनका ये पार्ट टाइम काम भी हो सकता है, इनको वैसे इंटरेस्ट हो इन चीज़ों में, ठीक है। लेकिन एक नई मोहब्बत है ये, और डेस्टिनी है, डेस्टाइंड कनेक्शन है, ट्रू लव, दिस लव इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। ये बंदा या बंदी आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा ही मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, ठीक है। चूज़ लव। तो अगेन यहाँ पे चॉइस की बात आई है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके पास चॉइस होगी। आप अभी एक लवर को रो रहे हो ना, मैं बता रही हूँ आपको फ्यूचर में आपके पास चॉइस होगी कि किसको चुनूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप ट्रू लव को चूज़ करोगी, जो आपको लगेगा कि ये मेरे से सच्ची प्यार करता है, सच्ची वाला, ठीक है। फॉरगिवनेस। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको माफ़ करने का कहा जा रहा है, फॉरगिव करने को कहा जा रहा है। आई थिंक हो सकता है, देखो सब पे रिप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बट मैसेज यहाँ पर मैसेज है, मुझे बताना पड़ेगा, शायद किसी के लिए है कि हो सकता है कोई इंसान आपको आकर के आपसे सॉरी करे, ठीक है। जस्ट फॉरगिव देम, अगर वो कार्मिक नहीं है, मैनिपुलेट नहीं करता रहा आपको पास्ट में, ठीक है, बिकॉज यहाँ आया है कि नथिंग इज गेंड बाई होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। कहा गया कि पास्ट की बातों को याद रखने से, उन पे उनको कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। फॉरगिवनेस का कार्ड है, भूल जाओ और उस पर्सन को माफ़ कर दो, ठीक है। आई विल से अगेन, प्लीज़ डू नॉट टेक दिस इंफॉर्मेशन फॉर योर मैनिपुलेटिव पार्टनर, ठीक है। तो हर एक को पता है कि उनका एक्स कैसा था। अगर उसने मैनिपुलेट किया है आपको, नेवर एक्सेप्ट देयर अपोलॉजी, बिकॉज वो दोबारा से यही करेगा, ठीक है। लेट्स सी आपका जो न्यू लव है, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, योर न्यू लव, जो आपके पर्सन हैं, उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं पॉसिबल, वट विल बी देयर नेम इनिशियल्स। सी एंड वी, ओके, वाई डी एच, एस बी यू। अच्छा, ये हबी निकल बन गया है, आई मीन हस्बैंड। ये देखें, एच यू पी वाई, ऐसे हस्बैंड भी बन सकता है, एच यू एस, एच यू एस बी
एन नहीं है अभी, लेट्स सी क्या आते हैं, हमने तीन चार ही अल्फ़ाबेट्स और लेने हैं, लेकिन स्टिल हस्बैंड है ये आपके, लुधियाना आ गया। ओह माय गॉड दिल्ली, दिस इज़ योर हस्बैंड। आपको लगता है ना आपको नहीं मिलना हस्बैंड, पूरा हस्बैंड बस ए रह गया है। आई जस्ट होप एंड विश कि ए आ जाए तो पूरा हस्बैंड बन जाएगा। HUSBNOD ए रह गया यहाँ पर जो आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, ओह माय गॉड, आप लोग खुद देख लो फाइल नंबर वन मैंने ब्लाइंडली निकाला है, आप एक रिवर्स करके देख लो, पूरा हस्बैंड आ गया आपके। ले जी कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर वन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लो जी डी है ना इसमें, हाँ ठीक है, यही आपको दुख परेशानी थी ना कि मेरा हस्बैंड पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, या पता नहीं कौन से जो है वो झूले में खेल रहे, बच्चा है, कोई बच्चा सच्चा नहीं है, यहीं पर है, ठीक है। तो ये नए इनिशियल्स भी हो सकते, मतलब अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। ओह माय गॉड, आई विल स्टिल टेक टू मोर बिकॉज ये कम है, एल एंड के, ठीक है। तो ये लक हो सकती है, तो बिकॉज LUCK बहुत लकी हैं आप, एंड वी तो वैसे भी विक्ट्री साइन है, ठीक है। वेरी पॉजिटिव एनर्जी, वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी पाइल नंबर वन। तो बस आपके हस्बैंड तो आई आए मुझे यकीन नहीं आया कि मैं जो जो अल्फाबेट्स बोले हैं वही मेरे मुंह से नेक्स्ट वही निकले, आपके सामने मैंने शफल किया रैंडम, मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था क्या है, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबको आपका हस्बैंड एंड वाइफ मिले। अच्छा, जो यहाँ पे लड़के हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट गेटिंग हस्बैंड्स इफ़ दे आर स्ट्रेट, राइट। तो टेक दिस एज योर वाइफ, ठीक है, एंड इफ़ यू आर लाइक होमो आई डोंट माइंड, एब्सोल्युटली योर ओन चॉइस। तो मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग योर हस्बैंड, राइट। सो या टेक केयर, बाय बाय, लव यू। हेलो लव पाइल नंबर टू, अगर आपको ये वाले ने मनीषज हैं, जी, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जी हमें कोई मिलेगा कि नहीं, क्या जो हमने यूं ही मर जाना अकेले सिंगल, ठीक है। जो भी एनर्जी होगी आई विल सी टेल यू, ठीक है, कि आपके स्पाउस की क्या एनर्जी है। सो लेट्स चेक आउट कि आप सिंगल रहेंगे सारी उम्र, आपको कोई डिवाइन आपका पार्टनर देंगे या नहीं, ठीक है। वाओ हैरोफेंट, ओह माय गॉड, टू ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एंड यू हैव इन दिस सेवन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ पाइल नंबर टू जी, जो यहाँ मुझे राशि नजर आ रही है दैट इज एग्जैक्टली वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और लिब्रा, जेमिनी, लियो, एरीज, ठीक है। अच्छा गाइस, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि आपकी किस्मत में क्या सिचुएशन है, ठीक है, मतलब वो व्हाट इज़ देयर एनर्जी क्या है। एनर्जी पाइल नंबर टू की ये है कि आपके पर्सन जो हैं, मतलब आपकी जो लाइफ है, एक तो मैं आपको बताऊं उसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, एंड दैट बैलेंस इज़ अबाउट, दैट बैलेंस इज़ अबाउट योर इमोशंस, ठीक है।
फाइव ऑफ कप्स, आप बहुत परेशान हो, आई कैन फील, आई लिटरली कैन कैच योर एनर्जी, दैट यू लिटरली डाउन राइट नाउ, आई एम नॉट फीलिंग वेल, नॉट फीलिंग एनर्जाइज, एंड गाइस यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. आपकी किस्मत में, अगर आपका जो भी क्वेश्चन था कि मेरी किस्मत में मेरा पार्टनर है या नहीं, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, आपकी किस्मत में आपका पार्टनर है, और हैरोफेंट की एनर्जी है, और ये तो मतलब मैरिड पार्टनर है, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड नहीं है, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, ये हस्बैंड या वाइफ है हैरोफेंट के साथ, ठीक है, कमिटमेंट है शादी की. लेकिन सिचुएशन ये है कि आपकी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जिसकी वजह से आप अभी तक सिंगल हैं या आपकी शादी नहीं हो रही. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मैंने बोला है फाइव ऑफ कप्स. आप अपनी मतलब गम, परेशानी, दुख, तकलीफ की एनर्जी से अभी तक निकले ही नहीं हो, ठीक है. फाइव ऑफ कप्स, आप हमेशा दुखी रहते हो कि मैं, मुझे अभी तक मिला क्यों नहीं, ठीक है. लेकिन बात यह है कि आई विल से कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर, आपका मैरिड पार्टनर आपको जब मिलेगा, क्योंकि यहाँ सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, देयर इज़ अ लिटिल बिट डिले, ठीक है, थोड़ा डिले है क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और टेम्परस की भी है. पहले आपको खुद स्टेबल होना पड़ेगा. आई नो आपको बात बुरी लग रही है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, ठीक है. ये बात आपको ना अभी बुरी लग रही है, जब ये ऐसा हो करके जब आपकी शादी होगी ना, जब आपको समझ आएगी कि इमैच्योर एज में अगर मेरी शादी हो जाती तो इसने टूट जाना था, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है शादी टूटने की, फाइव ऑफ कप्स है, ठीक है. इस वजह से यहाँ तो मतलब आपकी शादी जिससे होनी है वो पर्सन की कोई गड़बड़ सिचुएशन है, इस वजह से आपकी शादी टूट सकती थी, या आप ही इमेच्योर होते कि मतलब आप ख़ुद भी तो गलती कर सकते हो ना, गलती तो हर एक से हो सकती है. पाइल नंबर टू, ये तो नहीं है कि आप परफेक्ट हो तो वो सारी गलतियाँ उन्हीं में हैं, नहीं ना. अक्सर लड़कियाँ भी इमेच्योर होती हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. लेकिन अगर दोनों मैच्योर हों, दोनों समझदार हों, दोनों को पता होगी हमें रिश्ता आगे लेके चलना है, ठीक है, रिश्ते को टूटने नहीं देना, हमने खुद खुद झुक जाएंगे, रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, तो अगर ये वाली हो सिचुएशन तो रिश्ते बचते हैं, ठीक है. एक बंदा भी अकड़ में आए तो दूसरा भी फिर क्या करेगा अकेला, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक हाथ से ताली बज नहीं सकती है, ठीक है ना. तो हाई प्रेसिस के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की डिवाइन चाह रहे हैं, एक तो आप मेंटली तौर पर हाई प्रेसिस में आओ, मेंटली तौर पर आप थोड़ा मोमेंटम पकड़ो, थोड़ी बुद्धि और पकड़ो, थोड़े और मैच्योर हो जाओ. आई नो मैटर व्हाट आपकी एज क्या है, मैं आपकी मेंटल एज की बात कर रही हूँ. चाहे आप इस टाइम 70 साल के होके सुन रहे हो, आप अगर को जी ले मेरी तो मैं 70 साल की हो गई अभी, मेरी उम्र बढ़नी है मज़ीद, और क्या बढ़ाऊँ मैं अपनी. आई एम टॉकिंग अबाउट योर मेंटल एज. हाई प्रिस्टेस मेंटल एज होती है, नॉट योर फिज़िकल एज. अक्सर लोग 22 साल की उम्र में बहुत मैच्योर हो चुके होते हैं मेंटली तौर पर, बाज़ लोग 60 साल की उम्र में भी नहीं होते, ठीक है, उनके वही हरकतें जारी होती हैं. तो डिवाइन चाह रहे हैं आपको थोड़े और एक्सपीरियंसेस दें. ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, ये थोड़ी देरी है आपकी शादी में, उसकी वजह ये है कि डिवाइन चाह रहे हैं थोड़ा बुद्धि पकड़ो, थोड़ा दिमाग पकड़ो, थोड़ा और मैच्योर हो जाओ. दूसरी वजह क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन चाह रहे हैं आप थोड़ा पैसे शैसे कमा लो पहले अपने लिए ना, अपने लिए कुछ अच्छा जॉब ढूंढ लो, अपने के लिए अच्छा कुछ करियर बना लो, थोड़ा अपनी 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 पावर में थोड़ा सा, जो फिर आपको डिवाइन डेफिनेटली और आपका पर्सन जो है वो देंगे. तीसरी बात ये मैं तो देख पा रही हूँ, मुझे टेम्परेंस एनर्जी लाइक देखो ना, बैलेंस नहीं है. आप इमोशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, मेंटल लेवल पर बैलेंस में नहीं हो, बस ड्रेन्ड हो. ये भी हो सकता है किसी ने आपकी भावनाओं से खेला हो पीछे, ये भी हो सकता है आपके फैमिली से भी नहीं बनती, या आपने अपनी बहुत करीबी किसी को खोया है, खो दिया है,
किसी की डेथ हो गई हो, या मे बी कोई छोड़ के चला गया हो, या उसको जाना पड़ा हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, पेज की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, इमोशन नहीं है, बैलेंस, इमोशंस पे काम करो, अपने दिमाग पर काम करो, पक्का करो दिमाग को। देखो आपका क्वेश्चन ये है कि मुझे शय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही टॉपिक है ना आज हमारा। ये मैं आपको बता दूँ पाइल टू, ऐसा नहीं है कि डिवाइन ने आपके लिए कोई नहीं रखा, ऐसा नहीं है, रखा है। ये देखो यूनियन, ये देखो आप लोग इन्जॉय कर रहे हो दोनों लाइफ में। और हायरोफेंट देखो, ये तो पूरी कमिटमेंट है, पूरी मैरिज है। ठीक है, लेकिन आपको इन तीन चीज़ों पर काम करना है, तीनों चीज़ों में आप वो हो, इमेच्योर हो अभी, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते आपसे, रो पड़ते हो छोटी छोटी बातों पर, दिल में एक दफ़ा कुछ बैठ गया, वहम, कोई शक बैठ गया, कोई डर बैठ गया, फिर वो निकलना ही नहीं, निकाल सकते नहीं हो, दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। फाइनेंसिस साइड पर भी लगे पड़े हैं। सिचुएशन को बैलेंस रखो पाइल नंबर टू, ठीक है, ताकि आप रेडी हो। आपको यूनिवर्स में, आपको मैनिफेस्टेशन के रूल्स नहीं पता है, मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में जब भी होती है जब आप रेडी होते हो। रेडी कब होते हो? जब आपका माइंड, ठीक है, और इमोशंस और एक्शंस एक इसको क्या कहते हैं हिंदी में, डायरेक्शन को, जो भी है, ठीक है, एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ठीक है, आपके एक डायरेक्शन में नहीं है तीनों चीज़ें, सोचते कुछ और हो, करते कुछ और हो, और महसूस कुछ और करते हो, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ऐसे कभी भी इनको मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, एनर्जी है इनकी। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है आपका केस? वाह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, या योर पर्सन हैज़ ऑलरेडी कम कमिटमेंट, कमिटेड काफ़ी इनका, बड़ा कि बिजनेस मैन है, यहाँ प्राइवेट काम करते हैं अपना कोई, इनके बिजनेस में फूड का काम हो सकता है, बिकॉज़ कोई बेकर भी हो सकता है, मतलब बेकरी का कोई काम, केक केक वगैरह, या किसी रेस्टोरेंट हो सकता है, रेस्टोरेंट का काम, फूड्स का, या आई कैन ऑल्सो सी सम एनिमल्स, कोई मीट का काम हो सकता है, या मिल्क सप्लाई, फूड से रिलेटेड इनका काम है, या फिर इनका काम के प्रॉपर्टी से है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से है, या फिर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इस तरह का कोई मिक्स किस्म का काम करते हैं ये, बहुत कमिटेड हैं। ठीक है, टॉरस कैप्रिकॉर्न वर्गो की एनर्जी है आज साइन साइन की, मतलब ये पर्सन कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। हायरोफेंट भी यही कह रहा है, ये पर्सन कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। ओह माय गॉड, आई जस्ट नोटिस्ड हियर वी गॉट अ कपल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह। देखा, देखो अब यहाँ पर क्या मैसेज है, क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगी तो किंग आएगा पेंटिकल्स का। यहाँ पर आप ये बन गई हो जब आपका किंग आया पीछे, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अब कैसे बनोगी? करियर पे ध्यान दो, ठीक है, पहली बात, और सेल्फ लव करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है ना, खाली पैसे पे ध्यान नहीं होता इसका, इसका आप सेल्फ केयर पे सबसे पहले ध्यान होता है। ये दो काम इकट्ठे करती है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों काम करती है, ये काम नहीं करती, बहुत प्रैक्टिकल ये महिला होती है। हाँ, इसका आधा ध्यान घर में होता है, आधा ध्यान इसका काम में होता है, लेकिन दोनों काम पूरे होते हैं इसके। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनो, फिर किंग आपका ज़रूर मैनिफेस्ट होगा ज़िंदगी में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखा वही बात है, ये कि पेंटिकल्स पे नहीं काम है ना, पैसा इशू भी बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, फाइनेंशियल, गॉश, आई एम जस्ट सेंडिंग यू ह्यूज पॉजिटिव एनर्जी। हाँ, जिस जिसको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इस टाइम, सेंडिंग यू लव एंड लाइट, ठीक है, ताकि आपके करियर में आप लोग जो स्ट्रगल, जो जो भी स्ट्रगल कर रहा है, यू जस्ट फाइंड गुड जॉब, गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, जो भी करते भी हो बिजनेस, तो भी आई एम सेंडिंग यू ह्यूज ह्यूज पॉजिटिव एनर्जी टू बाई यू
गुड थिंग्स, आपको अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है, या आपको प्रमोशन चाहिए, आपका प्रमोशन हो। एनीवेज, सिक्स ऑफ कप्स, गाइस यूनिवर्स आपको बिल्कुल एक बच्चा समझती है, क्या आप छोटे से बच्चे हो यूनिवर्स के, ठीक है। तो आई कैन सी विद द सिक्स ऑफ कप्स कि हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती है, सरप्राइज़, ठीक है। तो ये पर्सन आपको सरप्राइजिंगली मिल सकता है। नाइन ऑफ कप्स, यस, इवेंचुअली एंड में, ये मैंने आखिरी कार्ड टैरो से लिया था, नाइन ऑफ कप्स, इवेंचुअली ये देखो अपनी अपना अपना अपनी हालत देखो, इवेंचुअली कितने सुकून में ये बैठी हुई हैं और आंखें बंद हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, बीच पे हैं और इनके पीछे नाइन कप्स लगे हुए हैं, ठीक है। आई एम जस्ट सीइंग योर फ्यूचर लाइक दिस, हीलिंग में, सुकून में, जो सब टेंशन जो अभी गड़बड़ चल रही है, दैट ऑल विल बी ओवर, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, परेशान नहीं होना, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। और अगर आपको इस बात से परेशानी कि मेरा कोई है नहीं, खुद ही देख लिया आपने ये कहीं है, बस कुछ काम रह गया है आपका करने वाला जो बताया मैंने पीछे, फॉरगिवनेस, ओके। पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड ग्रजेस को छोड़ के आगे निकलो, एक मैसेज यूनिवर्स से आपको ये आया है, ठीक है। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, फॉर एग्जांपल आपको पता होगा, जस्ट फॉरगिव देम, छोड़ो, आगे निकलो, ठीक है, उनके बारे में दोबारा नहीं सोचना। एक्शन स्पीक्स लाउडली, आपको एक्शन की ज़रूरत है, पाइल नंबर टू, यू नीड टू टेक सम एक्शंस, ओके। यूनिवर्स कह रहा है कि मेरे को, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, कि मुझे एक्शन दिखाओ, यूनिवर्स कह रहा है कुछ करके दिखाओ मुझे, तो मैं तुमको तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस दूंगा। बैठे रहने से, लेथार्जिक हो के, सुस्त हो के, मतलब यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, ठीक है। यूनिवर्स नहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पे अमल करेगा, आपको मैनिफेस्टेशन नहीं देगा आपके जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, ठीक है। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, अपने दिल को भी एक रिसीविंग मोड में लेके आओ कि यस आई डू डिज़र्व लव एंड आई एम डिज़र्विंग ऑफ द ट्रू लव, ओके। मेरिकल्स एंड ब्लेसिंग्स आर कमिंग, ओ माई गॉड, ये जब भी मेरिकल का कार्ड आता है ना, उसके बाद मैं अगला कार्ड नहीं लेती। आई जस्ट वॉन्ट यू टू क्लेम दिस एनर्जी, मेरिकल्स एंड ब्लेसिंग्स, एवरी थिंग हैज़ इट्स गिफ्ट, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इसी मेरिकल एनर्जी पे मैं जो हूँ आपका वो आपको बाउंड करूँ, आपकी तरफ मेरिकल मेराकुलस एनर्जी भेजूँ, ब्लेसिंग्स भेजूँ, ठीक है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं और हर चीज़ अपने साथ एक गिफ्ट लेके आ रही है, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट फॉर यू, ठीक है। इवन इफ आपकी सिचुएशन ख़राब है ना, तो भी ये आपके अपने साथ एक गिफ्ट ही लेके आएगी, ठीक है। ओके, लेट्स चेक आउट किया नेम इनिशियल को क्या हो सकते हैं पॉसिबल आपके पर्सन के जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एच एन वी जे जी जी W S Q B B and T X O Y आई एंड हम दो और लेंगे बस, स्पिरिट इज़ गाइडिंग यू, बस दो और अल्फाबेट्स आपके लिए, सी एंड दिस वन इज़ आर,
ऑल राइट, ठीक है जी। तो दिस वॉज योर रीडिंग माय लव, आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक, बाय बाय।